सेवन से पहले है ना फोर्थ, तो पहले फोर्थ बता देता हूँ। फोर्थ भी तो ऐसा ही है दोस्त, देखो डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस क्या है सीकेंट एक्स इंटू वाई इक्वल टू टैन एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जो यहाँ पे रहता वो यहाँ पे रहना चाहिए, वो है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे होना चाहिए, वो है, और नीचे क्या है एक्स है, तो ये पी हो गया तुम्हारा और ये क्यू हो गया, क्योंकि ये पी और ये क्यू किसका फंक्शन हो सकता है, डीएक्स है नीचे तो एक्स का होना चाहिए, तो एक्स का फंक्शन है, बस हो गया, फॉर्मूला लगा दो, आईएफ निकालो, आईएफ क्या होगा, आईएफ का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रल ई की पावर ई डीएक्स, तो पी क्या बच्चे सेकेक्स डीएक्स, सेकेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेकेक्स प्लस टैन एक्स, ये पता क्या हो जाएगा सेकेक्स टैन एक्स हो जाएगा, समझ रहा हूँ वही प्रॉपर्टी लग गई, यहाँ पे भी बेस ई है ना इसलिए, ठीक है। उस सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो ऊपर रहता है डैट वाई इंटू आई एफ, सीबीएसई में फॉर्मूला भी लिखना पड़ता है आई एफ का और वो सोल्यूशन का, जे में डायरेक्ट लिख सकता है वाई इंटू आई एफ, सीधा आई एफ लिख दो, आई एफ क्या है सेक एक्स प्लस टैन एक्स इक्वल टू इंटीग्रल क्या हो जाएगा क्यू, क्यू क्या बेटा क्यू है टैन एक्स और आई एफ है सेक एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स, जो जाएगा वाई इंटू sec x plus tan x equal to, एक तो हो जाएगा sec x tan x और दूसरा क्या आएगा ये tan square x हो जाएगा, tan square x को पता क्या लिख देना sec square x minus 1, तो y into sec x tan x, इसका इंटीग्रल क्या होगा sec x, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस वन प्लस सी, ये आंसर आ गया, या माइनस एक्स सॉरी, समझे छोटे छोटे क्वेश्चन, पहले बोल देता है बताने के बाद क्यों बोल रहे हो, देखो ये गलत बात है, और फिर ये शिफ्ट करवाएगा मेरे से जबरदस्ती, अभी नहीं फिर भी बताना पड़ेगा, नहीं फिफ्थ भी इसका डाउट, छोटा क्वेश्चन है बता देता है, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल टू टैन एक्स, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए था, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको, इसमें ये था कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू टैन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, अब बन गया ये वाई है, यहाँ पे वाई है और नीचे डी एक्स है, तो ये एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, तो ये पी हो गया और वो क्यू हो गया बेटा, और ये sec स्क्वायर एक्स आप कर लेगा सोल, इसके अच्छा देखो इसका आई एफ क्या होगा बताओ, e की पावर इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा e की पावर टैन एक्स, सोल्यूशन क्या होगा y इंटू आई एफ, आई एफ क्या है e की पावर टैन एक्स इक्वल टू इंटीग्रल q, q क्या बेटा tan x into sec square x into e की पावर tan x, ये q है ये i f है dx plus, और tan x को t मान लो उसका डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो y into e की पावर tan x, tan x को t मान लो तो ये भी t हो जाएगा t, और ये sec square x dx को dt में चला जाएगा, तो तुम्हारा बचेगा e की पावर t dt plus, इसमें बाई पार्ट लगा दो, नहीं तो y इंटू e की पावर टैन एक्स आ जाएगा, t ऐसी रहेगा e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t माइनस t का डेरिवेटिव वन
ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी डी टी प्लस सी, तो वाई इंटू ई की पावर टैन एक्स इक्वल टू टी को क्या माने थे हम लोग, टैन एक्स माने थे, तो टैन एक्स इंटू ई की पावर टैन एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ई टी ही होगा, तो टी को सीधा डाल देता हूँ फिर, तो बाद में डाल दूंगा यहाँ पर, टी को क्या डाल देंगे, टैन एक्स डाल देंगे, और e की पावर tan x से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तब आंसर मैच कर जाएगा, यहाँ पर सीधा tan x लिख देता हूँ, समझ गए, e की पावर tan x से डिवाइड करोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा बताओ, tan x माइनस वन प्लस c इंटू e की पावर माइनस tan x, उसको भी डिवाइड करना होगा, ये नहीं, अरे c ऐसे थोड़ा ना जाएगा, डिवाइड करेगा कोई कॉन्स्टेंट होगा, देखो कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट अपॉन वेरिएबल कॉन्स्टेंट थोड़े हो जाएगा, नहीं समझा मेरी बात, हाँ तो वो रखना पड़ेगा आपको, सी को डिवाइड करना पड़ेगा, वो वैसे लिखना पड़ेगा, अगर ये भी कॉन्स्टेंट रहता तब इसमें मर्ज हो गया कॉन्स्टेंट होगा, समझ गए, कहाँ पे डाउट आ गया था भाई इसके बाद वाई पार्ट लगाएंगे और क्या लगाएंगे, नहीं लिखो जल्दी, मिटा दो लिख लिया सबने, समझ में आ रहा है परीक्षा की, बाउंस हो रहा है सारा, आ रहा है लिख लिया, रब कर दूं, चलो नेक्स्ट डॉट बताओ कौन सा है, सिक्स में तो एक्स से डिवाइड कर दो हो जाएगा, सिक्स में जो है डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या है एक्स है ना, तो एक्स से डिवाइड कर दो फिर हो जाएगा, ठीक है, सेवेंथ में डाउट था ना, सेवेंथ बताता हूँ, ओके सेवेंथ है एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आंसर याद आएगा, प्लस वाई इक्वल टू कितना है टू बाई एक्स लॉग एक्स, तो यहां से पहले ये डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट वन बनाओ, तो क्या करो डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स लॉग एक्स वाई, देखो यहाँ पे वाई है यहाँ पे वाई होना चाहिए तो है वाई, ये तुम्हारा बन जाएगा क्या टी इक्वल टू, उधर क्या होगा बताइए, तो टू बाई एक्स स्क्वायर, टू बाई एक्स स्क्वायर होगा लॉग एक्स से लॉग एक्स कर जाएगा, ये एक्स इसके साथ मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ये टी है और ये क्या है क्यू, आई एफ निकालेंगे, आई एफ क्या होगा ई की पावर वन बाई एक्स लॉग एक्स डी एक्स, तो लॉग एक्स को टी मानेंगे तो हो जाएगा, लॉग एक्स को टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, और ये क्या हो जाएगा टी टी टी, ओ ये तो ज्यादा अच्छा हो गया फिर तो, ई की पावर इंटीग्रल वन बाई एक्स अपॉन लॉग एक्स कर दो, नहीं लॉग एक्स का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा ई की पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स, अब बाद में जाके यहाँ पे बेस ही है ये लॉग एक्स हो जाएगा फिर, समझे, और सोल्यूशन कैसे मिलेगा वाई इंटू आई एफ, आई एफ क्या है लॉग एक्स इक्वल टू
क्यू क्यू क्या भाई, टू बाई एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स डी एक्स, इसमें बाई पार्ट लगा दो, नहीं तो वाई लॉग एक्स टू बाहर ले लो तो क्या बचेगा, लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे ना, वन बाई एक्स स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन मानना पड़ेगा आईलेट के हिसाब से, नहीं तो क्या हो जाएगा, वाई एल एन एक्स लिख देता हूँ शॉर्टकट करने के लिए, टू ब्रैकेट लॉग एक्स एज इट इज, वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है किसको पता है, माइनस वन बाई एक्स, हाँ तो माइनस वन बाई एक्स यहाँ पे नीचे ले देता हूँ ऐसे, फिर माइनस बिग इंटीग्रल लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, और वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स, तो यहाँ पे प्लस वन बाई एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये डी एक्स, बस सी, तो वाई एल एन एक्स इक्वल टू टू टाइम्स माइनस एल एन एक्स बाई एक्स, इसका क्या हो जाएगा अगेन माइनस वन बाई एक्स, बस यही आंसर आ जाएगा, वाई एल एन एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो और एक्स भी कॉमन ले लो, सो यू लेफ्ट विद एल एन एक्स प्लस वन, ये आंसर नहीं है क्या, चेक करो जरा, देखो तो यही है, कहाँ दिक्कत हो गया जी अच्छा बाई पार्ट लगा दिया उसने, तभी यही आएगा, बाई पार्ट लगाने से बाद में यही आएगा बाई पार्ट भी लगाऊंगा ना तभी तो वही आएगा, देखो ऐसे लगाने की जरूरत नहीं होगी, गलत चीज नहीं सिखाना चाहिए बच्चों को, नहीं गलत चीज तो नहीं है पर लंबा मेथड क्यों सिखाए, कि छोटा वाला मेथड भूल जाता है लंबा वाला याद रह जाता है उनको है ना, पर उससे भी करोगे तो वही आएगा, आइए वही आएगा, चलो नेक्स्ट डाउट बताओ बेटा सेवेंथ के बाद, 9.6 में सेवेंथ के बाद कौन सा डाउट है सर, नाइन्थ, नाइन्थ, ओके मिटा दो इसको, लिख लो जल्दी जल्दी, x dy by dx plus y plus y minus x plus x into y cot x बराबर 0, ये है लीनियर, कैसे है बताओ, नहीं और कुछ बताओ पहले, चलो पहले तो x से डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वन प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0, अब बताओ ना, गलत हो गया, और कोई बताओ, बहुत इजी है, जीनियस, वाई कॉमन लेना पड़ेगा, वाई का टर्म राइट साइड में नहीं जाना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पे पी तो कुछ भी हो सकता है, और पी कुछ भी मतलब नहीं, एक्स का फंक्शन होगा अगर डी एक्स है नीचे तो, या कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे इसके इनको में क्या चाहिए, वाई चाहिए, ये वाई दो जगह नहीं चाहिए, वाई कॉमन लेना पड़ेगा पहले आपको, तो हो जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, तो हो गया, समझा, यहाँ पे ऊपर वाई है तो यहाँ पे वाई हो गया, ये क्या हो गया,
और ये वन खुद लेगा, तो वन ये क्यू हो गया, क्यू कॉन्स्टेंट भी हो सकता है या एक्स का फंक्शन भी हो सकता है अगर नीचे डी एक्स है तो, अब हो जाएगा, समझा रही हूँ? यस सर। करो सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा फिर, तो आई एफ हो जाएगा इसका e की पावर इंटीग्रल 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, e की पावर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, cot x का क्या होता है ln sin x, इसको पता क्या लिख दोगे ln x sin x लिख सकते हो, तो ये x sin x आ जाएगा क्योंकि log का बेस ln का बेस ही होता है, और फिर सॉल्यूशन निकालना कर दिया था आपने, गुड। तो y into if, if क्या बेटा x sin x equal to integral q, q कितना है, q is 1 only, you left with x sin x only, 1 नहीं लिखा मैंने, बस कुछ नहीं करना, इसमें बाई पार्ट लगा लेना, x क्या दोबारा नहीं नहीं आएगा, एक ही बार आएगा ये, जो e रहता है ना तब आता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ना, तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा बाई पार्ट, तो y into x sin x, x as it is, sin का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस बिग इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 cos sin का इंटीग्रल माइनस cos तो प्लस cos x प्लस, तो yx sin x इक्वल टू माइनस x cos x, ये तो 1 है तो cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x, ये आंसर हो गया फिर, नहीं चेक करो तो आंसर ऐसे दिया होगा कि डिवाइड कर दिया, ऐसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, माइनस कॉट एक्स वही है डिवाइड कर दिया, हम भी डिवाइड कर देते हैं, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स साइन एक्स से डिवाइड करेंगे ना, तो एक्स कट जाएगा और कॉस बाई साइन बन जाएगा कॉट माइनस कॉट एक्स, और इसको डिवाइड करेंगे एक्स साइन एक्स से, तो साइन एक्स कट जाएगा वन बाई एक्स बचेगा प्लस सी बाई क्या बचेगा एक्स साइन एक्स, नहीं चलिए और बताइए नेक्स्ट डाउट कौन सा, 16 एंड 17 हमको तो लगा भाई देख के छोड़ दिया होगा तुम, वो बहुत आसान होते हैं वो व्हाट प्रॉब्लम ज्यादा आसान होते हैं कंपैरेटिवली, उसमें इंटीग्रेशन भी छोटा रहता है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी छोटा रहता है, व्हाट प्रॉब्लम जो होता है कंपैरेटिवली उसमें कम कैलकुलेशंस होते हैं, जल्दी बन जाते हैं, चलो कौन सा बताया 16 से पहले किसी को डाउट है कोई, यही नहीं है सब में है ना, करो यार होमवर्क करो मेहनत करो बेटा, चलो 16 देखो जरा सभी लोग करो ट्राई एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन है वो नहीं बताएंगे, व्हाट प्रॉब्लम तो बहुत आसान होता है, बस अंग्रेजी थोड़ी सही होनी चाहिए ताकि गलत ना समझ जाए क्वेश्चन, तो उतना तो आप समझते ही हो, जब मैं समझ सकता हूँ, मैं तो 10 तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ पता आपको, तो मुझे समझ में आ सकता था, आप तो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो यार,
लगता है, जैसे आप लोग बोलते हो ना कोई कोई, इसे बहुत टाइम लग जाता है, टाइम लगता है तो लगने दो, एक टाइम आएगा, टाइम लगते लगते आपको समझ में आ जाएगा, आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। वो आप सोचो कि स्टार्टिंग में ही बहुत फटाफट क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, शुरू में ऐसे ही होता है, टाइम सबको लगता है। शुरू में चलना भी, जब चलना सीखा तो वो भी बहुत टफ लगता था, एक कदम बढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता था। स्टार्टिंग थोड़ी फाइटर होती ही है, उसे डरना नहीं है, बस चलते रहना है, तो फिर आगे दौड़ भी लोगे। फिर इन्हें कि टाइम बहुत लग रहा है, इतने टाइम में कैसे करेंगे क्वेश्चन, नहीं लगने दो, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अपने आप स्किल बनेगा वो। हाँ तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहली बार ही गिर गए थोड़े कि चलने छोड़ देंगे, फिर एक बार समझ जाएंगे क्यों गिरा था, आगे से ध्यान रहेगा फिर। नहीं हाँ, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ट्राई करते रहो, क्वेश्चन करते रहो, गलती होती है दोबारा करो, तिबारा करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सावधानी रखो, हर छोटे छोटे एक्सपीरियंस से सीखना भी चाहिए। नहीं कि 6 महीने तक गलती ही हो रहा है रोज, कम गलती कम होना चाहिए, वो होगा जब वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से आप सीखोगे ना, तो गलती कम हो जाएगा फिर। नहीं हाँ हो गया, 16 हो गया, गुड, 3 बच्चों का होगा, और किसका हो गया? अच्छा एनी हो गया, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी 16 क्वेश्चन। कर रही हूँ, उसमें बस dy / dx को x + y करके करना है। नहीं वो नहीं बताएंगे, देखो काव्या ने कर लिया, सान्या ने कर लिया, आदित्य ने कर लिया, आपका आ गया, 3 बच्चों ने कर लिया, तो आप भी कर सकते हो। देखो ओवर एस्टिमेट मत कर देना क्वेश्चन को, जो करना वो लिखा ही रहता है, बस उसको लिख देना है, ना ज्यादा सोचना है ना कम सोचना है, क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है पूरा सेंटेंस में, तो मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे से ज्यादा अच्छा जो मैं सेंटेंस बोलूंगा ना, उससे ज्यादा अच्छे से किताब में लिखा हुआ है। गुड सर हो गया। सर बताना पड़ेगा क्या, गलत आ रहा है? देखो ध्यान से, देखो बता रहा हूँ, जिसका 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 हो गया वो भी देखो कैसे करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन निकालना है, ये कर्व हो गया पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये कर्व कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, देखो कैसे लिख रहा हूं मैं बच्चों की तरह, था 5वीं क्लास के बच्चों की तरह। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई का एक वेरिएबल पॉइंट है, देख रहे हो, एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होगा, तो इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते थे, डी वाई बाई डी एक्स, और इसे पॉइंट क्या डालेंगे, एक्स वाई डालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा वो। एट एनी पॉइंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द कोर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या उस पॉइंट पे, एक्स प्लस वाई, हो गया, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, गेम ओवर, ये दिया हुआ सी निकालने के लिए, इससे छोटा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, बोलो ना व्हाट कॉलम ज्यादा आसान होते हैं, इसको ऐसे कर लो, क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो लीनियर बनाना है ना, अच्छा ये तो वेरिएबल सेपरेबल से भी हो जाएगा, सब एक्स प्लस वाई को टी मान के भी हो जाएगा, चलो लीनियर से ही करना चाहे तभी कर सकते हैं, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ वाई का टर्म होना चाहिए, तो वाई को इधर ले आओ, इक्वल टू एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, तो पी क्या है, -1, क्यू क्या है, एक्स, बस हो गया। और जब सी निकालने के लिए ये भी यूज कर लेंगे, एक्स को 0 डाल देंगे और वाई को 0 डाल देंगे, तो सी निकल जाएगा, क्योंकि ये कर्व 0 0 से पास कर रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो कर्व ही निकलता है, बेसिकली कर्व का इक्वेशन निकलता है,
नहीं, क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, स्लोप है, किसका, टेंजेंट का, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई कर्व मिल जाता है, नहीं, कर्व के टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके, तो डिफरेंशिएशन दिया हुआ मतलब कर्व के टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो कर्व निकल जाएगा फिर। मुस्कान कहाँ थी? तो बाहर गई हुई थी। कहाँ? मेला देखने? मेला देखने गई थी क्या? ये पावर माइनस एक्स हो गया, समझ गए? अब सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, y यहाँ पे dy है ऊपर, तो y into if, if क्या e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रल q, q क्या बेटा, q इज x, if क्या है e की पावर माइनस एक्स, इसमें y पार्ट लगाना पड़ जाएगा एक बार, नहीं तो y into e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू x as it is e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस बिग इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, तो प्लस हो जाएगा प्लस c। अब देखो y into e की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, e की पावर माइनस एक्स इसको डिवाइड कर दो तो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस c into e की पावर x। इसमें c निकालने के लिए दिया हुआ जीरो जीरो, समझा, x को जीरो डालो y को जीरो डालो, जीरो बराबर जीरो माइनस वन प्लस c into e की पावर जीरो क्या होता है, e की पावर जीरो वन हो जाता है, तो माइनस वन को इधर ले आओ, वन इक्वल टू c, तो c की वैल्यू वन आ गई, c को यहाँ पर प्लग कर दो, आंसर आ गया। तो आंसर इज y बराबर माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन, सी की वैल्यू वन आई है तो e की पावर x, बस हो गया। चलो 17 करो, खुद से करो। सेवनटीन तो जल्दी दिखाओ, तो सब लोग सबका हो जाना चाहिए 17 अब। हाँ जी भैया आ जाइए प्लीज, नहीं 5 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 मिनट में आ जाइए, हो गया जी 17 ट्राई करो, हो गया गुड। अभी थोड़ा आलसी हमको लगते हो, उसमें कम, हाँ घर पे थोड़ा होमवर्क कम करती हो अभी, आलस को त्यागो, आलस को त्यागो, पता आलस कैसे भागेगा, जेई से प्यार हो जाएगा तो आलस भाग जाएगा अपने आप, समझ लो। ये सोच लो मुझे जेई करना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो अपने आप चला जाएगा, अच्छे कॉलेज में जाके अच्छे पैकेज लेने में जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो फीलिंग मिलेगा, उससे अच्छा फीलिंग सोने में थोड़ा नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ तो फिर
बहुत टाइम पे आ गए, थैंक यू सो मच, दो चाय दीजिएगा। आपका एक फोटो आ गया उसमें। क्या बोल रहे हो, बिफोर आ गया आपका आंसर? हाँ सर, चेक किया बेटा? हाँ सर, चेक कर लिया। गुड, बिफोर में आप देखो सुधार हो रहा है काफी, टच वुड। परीक्षा नहीं, मेरी बात मान रहा है यार, ये सोचता है कि सर का बिजनेस खराब करके छोड़ूंगा इस बार। नहीं बनाने की जरूरत है 17। हेलो, हाँ जी, और बताओ, हो गया सबका? हो गया राशि? यस सर, हो गया। ठीक है, किसी को डाउट है 17 में कि बताना, बता दो एक बार। चलो बता दो, तुम एक बार और क्लियरिटी आ जाएगी थोड़ी, कि हमारी सोच मैच कर रही है कि नहीं, है ना? पहला इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन। ओके, बताता हूँ। देखो देखो 17 क्वेश्चन, जिस जिसने कर लिया एक बार देखो कि हम दोनों सेम सोच रहे हैं कि नहीं, है ना? बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग टू द पॉइंट 0,2। एक कर्व का इक्वेशन निकाला, ये कर्व कहाँ से पास कर रहा है? 0,2 से, मतलब x0 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, ये c निकालने के लिए दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको, ठीक है? ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग टू द पॉइंट 0,2 गिवन दैट सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। तो कोई भी पॉइंट ले लिया, वेरिएबल पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई, तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट, सम ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स प्लस वाई, सम ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट बाई 5। ये जो x प्लस वाई है ये किससे बड़ा है, dy बाई dx से बड़ा है, कितना बड़ा है? एक बार बार, गिवन दैट स्लोप ऑफ, सॉरी, गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप मतलब समझ रहे हो, इसका मॉड दिया हुआ है, ये किसी ने ध्यान दिया है? क्योंकि स्लोप निगेटिव भी हो सकता है, तो उसको वहां पे मॉड भी लगेगा, है ना? गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, क्योंकि ऊपर वाले में मैग्नीट्यूड यूज किया था, ऊपर क्या यूज किया रखता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला था, यहाँ पे टेंजेंट के स्लोप का मैग्नीट्यूड बोला है, तो उसमें मॉड लगाना जरूरी है, समझ रहे हैं आप? और इससे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, उसमें 5 ऐड कर दिया तो कर्व का इक्वेशन निकल रहा है, समझे? तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का मॉड कितना हो गया बताओ तो जरा, -5। तो इसमें दो दो ही क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन दिया होगा क्या आंसर में? हाँ, ओके, एक बार क्या होगा, यहां से मॉड हटाओगे तो पता क्या हो जाएगा, अरे नहीं, यहां से मॉड हटाओगे तो उधर क्या हो जाएगा,
माइनस आ जाएगा ये, तो दो केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है कि दोनों से सेम ही आंसर आ रहा हो, इट्स अ मैटर ऑफ चांस, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा फिर यहां से बताओ, एक प्लस लेके सॉल्व करते हैं, केस वन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव। केस टू क्या लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई प्लस फाइव। इसमें वाई को इधर लाना पड़ेगा आपको, नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। यहां से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव। इसका सोल्यूशन इधर लिखता हूँ, उसका उधर लिख दूंगा, ठीक है। तो आई एफ क्या आएगा इससे, आई एफ आएगा ई की पावर इंटीग्रल माइनस वन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो सोल्यूशन क्या आएगा, वाई है ऊपर, तो वाई इंटू आई एफ ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रल क्यू, क्यू क्या बेटा, और आई एफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसमें बाई पार्ट लगेगा प्लस सी। सो वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स माइनस फाइव, इसका इंटीग्रल होगा ई की पावर माइनस एक्स, बाहर माइनस आ जाएगा, फिर माइनस बिग इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव क्या होगा वन, इसका इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स माइनस भी आएगा प्लस सी। तो वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ई की पावर माइनस एक्स से फिर डिवाइड कर दो, तो वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव, ये तो कट जाएगा, ये माइनस वन प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है। तो इसमें एक्स को जीरो डालोगे, वाई को क्या डालोगे, टू डालोगे, सी की वैल्यू क्या रही है, एक्स को जीरो डाल देंगे और वाई को टू डाल देंगे, तो जीरो डालेंगे ना ये फाइव हो जाएगा, यहाँ पे टू, यहाँ पे फाइव माइनस वन फोर हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फोर हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू यहाँ पे जीरो डालेंगे तो सी हो जाएगा, तो सी की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा फिर माइनस ऑफ एक्स, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, माइनस एक्स प्लस फोर लिख देते हैं, लिख दें क्योंकि ये प्लस फाइव और माइनस वन हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या आई है, माइनस टू आई है, टू ई की पावर एक्स, तो ये आंसर है क्या। अच्छा उससे देखते ये आंसर आ रहा है कि नहीं, इसका आई एफ क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रल वन डी एक्स ई की पावर एक्स। सोल्यूशन क्या आएगा, वाई इंटू आई एफ ई की पावर एक्स इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल क्यू, क्यू क्या है, माइनस एक्स प्लस फाइव इंटू आई एफ क्या है, ई एक्स डी एक्स प्लस सी। तो वाई ई एक्स बराबर, तो बाई पार्ट लगाएंगे तो माइनस एक्स प्लस फाइव तो ऐसे ही रहेगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस बिग इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव माइनस वन आएगा तो ये प्लस कर दिया यहाँ पे, और ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स ही आएगा प्लस सी। सो वाई इंटू ई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव इंटू ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स ही होगा प्लस सी, ई एक्स से डिवाइड कर दो, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव प्लस वन प्लस सी इंटू ई की पावर कितना बच्चे, माइनस एक्स, या तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सिक्स प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स। इसमें डाल दो वाई को टू और एक्स को जीरो, एक्स को जीरो डालोगे तो ये सी हो जाएगा और टू माइनस फोर आ जाएगा सी, नहीं तो वाई इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी सिक्स माइनस फोर इंटू की पावर, दो आंसर आएगा इसका, एक ही आंसर दिया हुआ है पर दोनों होना चाहिए। मान लो जेई का क्वेश्चन करोगे ना, जेई में ये क्वेश्चन पूछ दिया
मान लो ऑप्शन में ये नहीं है वो वाला भी दे सकता है, एडवांस में मल्टीपल चॉइस में दे देगा ये, उसका ध्यान देना मैग्नीट्यूड का, पूछा भी नहीं आप लोगों ने। बाईपास लगाया तो उसे पूछो, काबे से पूछो। ये प्लस ही तो आएगा ना भाई, ऐसे फॉर्मूला में तो माइनस होता है, माइनस इसका डेरिवेटिव वन हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन भी तो होगा, वही प्लस हो गया यहाँ पे, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करोगे माइनस वन से। माइनस एक्स माइनस लगा दिया, फिर माइनस बड़े से इंटीग्रल में क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन प्लस वन आएगा, तो वन आ गया, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, आरिफ आप ऑफलाइन क्यों नहीं आए? सर लेट हो गया था। क्यों लेट हो गया था? सर स्कूल से ही लेट आया था, फिर मैं सो गया एकदम साथ ही। तो लेट ही आ जाता है। आ जाऊं क्या सर अभी? अभी क्या हो गया, अब तुम कितना टाइम हो गया है? आप बताओ सर, आ जाऊंगा, मुझे क्या करूंगा। 5:45 हुए हैं, 2 घंटे अभी हैं, 2.25 घंटे। आ जाओ जल्दी, आ जाओ। आता हूँ सर। 7:30। नहीं आज तो ले लो मत आओ, आने में ये सब मिस हो जाएगा ना फिर, ठीक है? अच्छा सर मैं निकलने वाला था। नहीं अगली बार से ऑफलाइन आना, ठीक है? ठीक है सर। लिख लिया था सबने केस टू वाला, लिख लिया था? ठीक है, और बताइए नेक्स्ट डाउट कौन सा है? हो गया सर, यकीन हो गया, 19 हो गया, उसे बस आईएफ निकालना है ना। चलो जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया वो कर लेना भाई, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। देखो छोटे क्वेश्चन को छोटा नहीं समझना चाहिए और बड़े क्वेश्चन को बड़ा भी नहीं समझना चाहिए, सबको एक जैसे लेना चाहिए, सबकी वैल्यू एक ही होती है। छोटे क्वेश्चन को छोटा समझोगे ना तो उसी में पता चला टफ वाले क्वेश्चन सही हो गए, इजी वाले गलती कर दिया, ऐसा भी हो जाता बहुत बार। वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो ना कि बहुत तेज है, बहुत तेज है तो नंबर ले आके लाओ 100 में 100, तब मान जाएंगे बहुत तेज हो, नहीं सभी मान जाएंगे, मैं ही क्या मान पाऊंगा। तो टफ क्वेश्चन भी टफ नहीं होते, वो बस सोचना रहता है उसमें, समझ गए? इजी क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी दिख जाता कैसे करना है, टफ क्वेश्चन में भी वही करना रहता है, वो थोड़ा जल्दी नहीं दिखता, बस यही है, तो दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ी देर, तब दिखता है कि क्या करे, उसमें करना वही रहता है। तो व्हाट नेक्स्ट मिस्टीनियस? मिसलिनियस करते हैं, मिसलिनियस का एंड से शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ 18 से शुरू करते हैं, 18 का आंसर बताओ क्या होगा।
मिसलिनियस का 18th क्वेश्चन करो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx dy प्लस, इसको ये मत सोचना कि लीनियर का ही है, इसका तीनों का हो सकता है, मिसलिनियस सही है, समझ गए, कुछ भी हो सकता है। ex dy प्लस y इंटू ex प्लस 2x dx बराबर 0, सॉल्व करो इसको, जनरल सोल्यूशन निकालना है इसका। चेक करो तो सही है, गुड। हाँ सर सी आ गया मेरे, कल आ गया, गुड। जरा भेजो कैसे किया, इक्वल टू सी भी होगा ना, व्हाट्सएप पे भेजो। ओके सही है, गुड। सी चलो 17 करो फिर, अब हो गया सी आ गया आंसर, सही है, गुड। सर हो गया, सेवन हाँ आ गया तुम्हारा परिचय, यस सर, भेजो तो देखो, फिर देखूंगा कैसे गया। राशि आपका आंसर आ गया, आ रही हो सर, हो गया बस, अच्छा थोड़ा सा इधर था। देखो जिसका डाउट है ना पूछ लेना, ये नहीं कि हो गया हो गया फिर हो जाएगा क्या एग्जाम में, सर मेरा सी आ रहा है। हाँ सी आंसर सही है, तो मान लो किसी का नहीं हो तो पूछ लेना, ये नहीं कि सबका हो गया मैं पूछूंगा तो नालायक बन जाऊंगा, उससे कुछ नहीं होता नालायक, होशियार वही होता है जो एग्जाम में नंबर लाता है। कौन सा करना है? 17, 17 करना है। हो गया 17, 17 हो गया, दस गुड। 17 में तो हाँ वो तो ऐसे दिया हुआ है, नहीं वो तो ऐसे देख, क्या आंसर हो रहा है इसका, सी होगा, सी गुड। 16 करो फिर, बैकवर्ड जा रहे हैं हम लोग, बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं। 18 हो गया, 17 भी हो गया बता रहे बच्चे, 16 करो, और किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, और अभी आंसर नहीं मैच कर रहा या कोई भी दिक्कत हो तो। हाँ 14, 16 का आंसर आ गया, क्या आंसर आया, सी आंसर आया, ये कौन सा था, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये लीनियर होमोजीनियस
वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, वाई टू तो चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही बात। आगे मैडम, 16 का आंसर आ गया। हाँ, 0%। हो गया 6। असी बोल रही है 16 में सर वाई को उधर ले जाके 0 से इंटू कर सकते हैं, 0 से इंटू कर सकते हैं, यहाँ पे वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? वाई कहाँ लिखा हुआ 0 नहीं होगा। वाई 0 नहीं होना चाहिए, सब कर सकते हैं। तो वाई 0 नहीं है ये मान के चल रही है, क्योंकि वाई 0 होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। फिफ्टीन करो फिर आप लोग। क्या अभी तक 18 में अटका हुआ है? तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो ना पहले। 18 में क्या करो, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो आप। डी वाई बाई डी एक्स क्या है? वो उधर चला जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो वाई ई एक्स प्लस 2x वाई ई एक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये है, माइनस भी होगा। आया ये? तो डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसको स्प्लिट कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस, माइनस भी खोल दो, माइनस वाई माइनस 2x वाई डी एक्स। अब वाई को इधर ले आओ, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया बताओ, लीनियर बन गया। आई एफ क्या होगा इसका, e की पावर 1 का इंटीग्रल x ही हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ क्या है, ई एक्स इक्वल टू इंटीग्रल माइनस 2x बाई ई एक्स इंटू आई एफ ई एक्स, तो ई एक्स सी एक्स को घट ही गया डी एक्स। बस क्या बचा, माइनस 2 और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। बस 2 से 2 भी कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले आओ, फिर आंसर मैच कर जाएगी। समझा? हाँ नहीं, 15 नहीं बताएंगे, 15 जो क्वेश्चन है ना 9.4 में था वैसा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो है कैसा था वैसा, 9.4 में था वैसा क्वेश्चन, कराया हुआ है वैसा क्वेश्चन भाई। दिमाग पर जोर डालो, थिंक हार्ड।
तो नहीं, हो इसको गया सीधा वेरिएबल, फिफ्टीन। ऐसे लंबा मत खींचो ना, इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर दो। गुड मुस्कान, उतना लंबा मत खींचो इसको, समझे? उससे भी हो जाएगा, बहुत लंबा खींच जाएगा वो। देखो मुस्कान ने कर लिया 15, ऐसा क्वेश्चन था हमने किया था 9.4 में, नहीं किया था मुस्कान? हाँ सही है, गुड मुस्कान। अगर नहीं होगा तो पीटूंगा, मैं बता रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो दिमाग पे जोर डालो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेंटेंसेस ध्यान से पढ़ो और ट्राई टू मेक सेंस। मुस्कान आप 15 करो फिर, ठीक है? सॉरी 14।
आ गया भाई 15 का आंसर। तो मुस्कान ने 14 भी कर लिया। कौन 15 कर लिया तुम? 15 नहीं हुआ। ओके हो गया राशि का, राशि का भी हो गया 15। देखो ध्यान से सुनो, समझा करो, है ना। देखो मेन जो क्या है ना, रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन मतलब वो याद रहना चाहिए, है ना, जेई के एग्जाम तक। एक्चुअली हम जितना पढ़ते हैं ना, जितना एक्स्ट्रा फंडे पढ़ते हैं ना, उतना सारा यूज भी नहीं होता एग्जाम में। कुछ कुछ यूज होता है पर उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। बहुत ही बेसिक बेसिक जो चीजें है ना, फॉर्मूले वगैरह, वही सब यूज होते हैं जेईई के एग्जाम में। आप देखोगे, आप करना ना सैंपल पेपर, पुराने सालों के पेपर देखना, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा रहती है, तो बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं रहता है। पर सारी चीजें याद नहीं रहती बच्चों को, छोटे छोटे इंटीग्रेशन भूल जाते हैं, तो वो कैसे काम चलेगा फिर। वो ये सब चीजें याद रहनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने पढ़ा वो आपको याद रहना चाहिए। वो कैसे याद रहेगा? आप जैसे क्लास के बाद भी नोट्स को देखते हो आप लोग? जैसे क्लास हो गया उसके बाद देखते हो नोट्स को? देखते हो जो पढ़ाया आज उसको देखते हो? तो देखो क्या फंडा होता है, कैसे क्लास कैसे पढ़ते हैं। जैसे मान लो आज का लेक्चर हो गया, 30 सितंबर का लेक्चर हो गया, ठीक है। फिर घर पे जब क्लास के बाद, अगले क्लास से पहले, और होमवर्क भी करना है, तो इसको पहले फिर जाके देखो कि क्लास में क्या क्या कराया गया है, उसको पढ़ो और उसको याद भी करो कोई चीज है तो। इन्हें कि सीधा देख के छोड़ दिया, क्वेश्चन नहीं याद करना है। हाँ क्वेश्चन भी नहीं देखना है, खुद से करना है उस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपने क्लास में खुद कर लिया है उसको दोबारा आपको नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने पर, क्वेश्चन नंबर 1 क्लास से आपने खुद कर लिया है तो दोबारा आप कभी भी करोगे 10 साल बाद भी आपसे हो जाएगा। ये साइकोलॉजी होती है ना। हम भूलते क्या चीज है, जो दूसरे लोग हमारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन डालता है ना, वो हम भूल जाते हैं, समझ रहे हो। तो मान लो सेकेंड क्वेश्चन आपने मेरे से सीखा है, तो इसको आप बिना देखे करो उस क्वेश्चन को, मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, समझ रहे हो, बिना देखे करो। और फिर आपसे बिना देखे हो गया ना, तो फिर वो लाइफ टाइम फिर याद रहेगा आपको, फिर वो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उसको, समझ गए। और अभी क्या करना, अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी नोट्स इकट्ठा करते जाते हैं, एग्जाम के टाइम इस तरह रिवाइज करते हैं, तो वो मेसअप हो जाएगा सारा, कुछ नहीं हो पाएगा फिर उससे। तो क्लास वाइज रिवाइज करना शुरू करो। जैसे आज कोई फॉर्मूला सिखाया है, जैसे लीनियर का फॉर्मूला सिखाया है, तो लीनियर का फॉर्मेट आज ही याद करना है, 5 मिनट उसको रट्टा मारना है, समझना है कि क्या क्या है। रट्टा मारने का मतलब समझने के वाली बात कर रहा हूँ, अच्छे से सब कुछ। यहाँ पे डीए है, यहाँ पे डीबी है, यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे क्यू, तो दिमाग में सेट कर लेना है 5 मिनट उसको टाइम दे के फिट करना है माइंड में, तो ये फिर वो याद हो जाता है, याद रहते हैं, ऐसे ही करना पड़ता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे खुद हो गया था क्लास में, तो छोड़ दो उसको, दोबारा करने की जरूरत नहीं, वो टाइम वेस्ट ही है फिर, वो हो ही जाएगा, कभी भी करोगे तो हो जाएगा। तो जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है, जो जो क्वेश्चन मैंने बताया है, उसको आपको दोबारा से खुद से करना है, उसी क्वेश्चन को दोबारा से करना है। जो आपसे खुद हो गया था क्लास में ना, वो हो जाएगा, बाद में भी हो जाएगा, उसको नहीं भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसको लिखो और उसको याद भी करो, सिर्फ लिख के नहीं छोड़ देना है, उसको याद भी करो। और फिर देखो आप, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे 3 3 घंटे का क्लास है ना, 1 घंटे में रिवाइज हो जाता है हार्डली, आधे घंटे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो खुद ही कर रहे रहते हैं आप। कुछ ही क्वेश्चन होता है जो बिल्कुल मेरे से हेल्प किया रहता है, तो वो करो, है ना, समझे। तो ऐसे नोट्स को रिवाइज करो, फिर आप देखो कैसे आपको सब कुछ याद रहेगा फिर, समझे। ये डेली रूटीन पे करना है, ये नहीं कि क्लास का जमा करते जाना है नोट्स, फिर दिक्कत हो जाएगा। पीछे पीछे हट गए ना, तो फिर वो इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो टाइम पास ही होता है फिर, उसके बाद फिर मजे नहीं ले पाओगे फिर पढ़ाई के, फिर आप, अब मजा आएगा तभी रैंक आएगा। हाँ सर मैंने आपको भेजा फिर ज्यादा पैशन से करोगे क्वेश्चन को, है ना, ज्यादा एनर्जी से करोगे तो फिर वो क्रैक हो जाता है फिर।
ऐसे सारा जो बताया मैंने, ये ट्रिक अपनाना, आप हर सब्जेक्ट में अपनाना, आपको चीजें याद भी रहेगी, लॉन्ग टर्म में याद रहेगी। ओके, 15 क्वेश्चन बताता हूँ एक बार और, समझो ध्यान से सुनो सभी लोग। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। सो ऐसा हमने कुछ चूहा वाला क्वेश्चन किया था शायद, ऐसे कुछ था ना, बैक्टीरिया वाला था, सॉरी चूहा। तो यहाँ पे वो क्या है, बैक्टीरिया की जगह पॉपुलेशन है, इंसान है, है ना, तो इंक्रीज कर रहा है क्या पॉपुलेशन। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मान लेते पॉपुलेशन कुछ रहा होगा, एट एनी टाइम, लेट एट एनी टाइम पॉपुलेशन कितना मान ले, क्या मान ले, वाई मान ले, वाई मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, एट एनी टाइम पॉपुलेशन क्या है, वाई है। तो पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट, तो इसका रेट मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन का रेट मतलब क्या हो गया, डीवाई बाई डी टी, किसके रिस्पेक्ट में, बाय डिफॉल्ट टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। तो पॉपुलेशन का रेट ऑफ चेंज ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। ये किसके प्रोपोर्शनल है, वाई के प्रेजेंट, उस टाइम पे जो पॉपुलेशन है उसी के प्रोपोर्शनल है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन वाई के माना है, पॉपुलेशन एट एनी टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन किसके प्रोपोर्शनल है, उस टाइम पे जितना पॉपुलेशन है इनहेबिटेंट्स, मतलब उस समय पे जितना पॉपुलेशन है उसी के प्रोपोर्शनल है। बस हो गया, यही हो गया। उसके बाद क्या बोला करने के लिए, उसके बाद कुछ डाटा दिया हुआ है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 2000 इन 1999 एंड 25000 इन 2004, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द विलेज 2009 में, कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं, डी वाई वाई, ये तो पढ़ रही हो केमिस्ट्री, पढ़ रहे हो, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या होगा, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लग जाएगा, के वाई हो जाएगा, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये वेरिएबल सेपरेबल्स हो जाएगा। तो डी वाई इक्वल टू क्या जाएगा, डी वाई बाई वाई बराबर के डी टी। अब इंटीग्रेट कर देंगे, के तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर ही आ जाएगा वो, ठीक है। एक इसका दो तरीका होता है सॉल्व करने का, एक क्या होता है, अभी इंट्रीगेट कर दो फिर उसमें सारी चीजें डालो, दूसरा क्या सिखाया था याद आ रहा है, लिमिट डालने वाला, वो थोड़ा इजी होता है, थोड़ा उसको फॉलो करना चाहिए। देखो अब उस क्या सिनेरियो है, जब टाइम 2000 कौन सा था, 1999, अच्छा 1999 को, एक तो 1999 भी ले सकते हैं, चलो 1999 ही ले लेते हैं, या उसको रेफरेंस ले ले, उसको जीरो मान सकते हैं, वो भी हो, उससे भी फायदा हो जाता है उसको, जी हाँ समझ रहे हो, तो हम सोचेंगे 1999 में ये दुनिया शुरू हुआ है, ऐसा सोचते हैं ये जीरो ईयर है ना, तभी हो जाएगा, या दूसरे 1999 भी रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गैप मेंटेन रहेगा, वो समझ रहे हो। तो क्या लिखो, जीरो लिखोगे, 111999 लिखो, क्योंकि चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहिए उसे, है ना, जीरो मतलब स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में वो पॉपुलेशन कितना था उसमें, 20,000, और फिर क्या, किसको, नहीं वो बोल रहा है ना 1999 में पॉपुलेशन 2000 था, मतलब जैसे अभी मोदी जी ने क्या किया ना, चीता को ला दिया ना अभी 2022 में, तो 2022 में चीता कितने हैं, 8 लाए थे ना, तो वो 8 है, जीरो नहीं है, नहीं क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मान लो ये नया गांव है एक आइलैंड पे, तो वहां पे 2000 आदमी को वहां पे जाके रख दिया, और फिर वो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है अपना, नहीं समझ रहे हो, अरे भाई पॉपुलेशन जीरो थोड़ा था स्टार्टिंग में यार, हाँ टाइम तो बस वो रेफरेंस है,
चलो 1999 लिख लो, क्या दिक्कत है तुमको? इसको जीरो नहीं ले सकते, पता है क्यों? क्योंकि 1999 को स्टार्टिंग माने या जीरो को स्टार्टिंग माने एक ही बात है ना? अच्छा, स्टार्टिंग में जीरो रहा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा कैसे यार? देखो, तो ऐसे ही लगा दिया, ज्यादा दिक्कत है तो वैसे कर लो, 1999 ही लिख लो। पर वो बात समझ पा रहे हो पॉपुलेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि 299 को तो रेफरेंस है। देखो देखो, 1999 की बात कर रहा है, फिर 2004 की बात कर रहा है, फिर 2009 की बात कर रहा है। तो हम मान ले इसको, आज मान ले, आज से 5 साल बाद, फिर 10 साल बाद, तो आज का पॉपुलेशन, आज को मैंने जीरो मान लिया, जीरो डे आज से शुरू कर दिया, तो आज कितना है पॉपुलेशन? जीरो डे मतलब आज कितना पॉपुलेशन है? 20,000 ही तो है। आज 2019 क्या है? आज का दिन है, सॉरी 1999 क्या है? आज का दिन है, उसको जीरो डे मान लिया मैंने, तो आज का पॉपुलेशन कितना है? 20,000। और 5 साल बाद कितना हो जाएगा पॉपुलेशन? 25। ऐसे 1999 माने के कोई बड़ा नहीं हो जाएगा, छोटा ही रहेगा, कंफ्यूजन से हटने के लिए ऐसे लिखे। देखो ये क्या हो जाएगा, 2004। देखो अभी भी इसको इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट डालोगे तो क्या आएगा आंसर? पहले भी डालता तो क्या होता, 0 से 5 रख दो, 5 ही आता, समझ पा रहा? तो उतना बड़ा भी नहीं है, डाल भी दिया 1999 भी ले लिया तो, समझे? ये क्या 25,000? अच्छा, अब क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ln y mod y 20,000 से लेके 25,000 के, उधर क्या हो जाएगा, t लिमिट डाल देंगे 1999 से 2004, ये हो जाएगा ln 25/20 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्यों लिमिट डालोगे? लॉग 25,000 माइनस लॉग 20,000, तो लॉग 25,000/20,000 उधर कितना हो जाएगा, k इंटू 5, k 3 नहीं है इडियट, कहाँ है 83 है, इसको 5। अब देखो इसको काट दो, फिर से 5 से काट दो, ln 5/4 1/5 इक्वल टू k की वैल्यू ये 1, क्यों क्योंकि है, राइट साइड में ln 5 क्यों आएगा रे? यहाँ पर तो कॉन्स्टेंट है ना, ये वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा ना, नहीं समझे? यहाँ तक, यहाँ तक लिखो, फिर आगे काम कर दो। आपको ये करके भेजा, ओके, ये वाला क्वेश्चन अच्छा, आपने उस तरीके से किया है, लिमिट नहीं डालते है ना, सही है, गुड। हाँ जी, लिख जाइए जल्दी लिखिए। मिटा दो इसको, यहीं तक मिटाने की जरूरत है। अब क्या पूछा वो, कब 2009 में कितना होगा, तो फिर इसी को यूज करेंगे। 2009 में कितना होगा पॉपुलेशन, क्या मान लो, ई होगा मान लो पॉपुलेशन, तो इनिशियल कोई भी ले सकता, कौन सा लेना है, 2004 लोगे तो 25,000 लेना पड़ेगा, और 1999 लोगे तो 20,000 लेना पड़ेगा, तो कौन सा लेना पड़ेगा लोगे आप? हाँ, वो 1999 बोल रहे हैं, वही लेते हैं।
1999 ले लेते, 10 साल का फर्क रहेगा ना, दोनों दोनों एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन वाई आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा पता है, एल एन पी वाई पता कितना हो जाएगा, 20,000। समझ पा रहे हो, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन वाई, और फिर लिमिट डाल देंगे तो एल एन पी वाई, सीबीएसई में लिख देना लेकिन, है ना, जेई में सीधा डायरेक्ट कर लो दोनों, उधर क्या होगा के की वैल्यू डाल दो, के की वैल्यू क्या होगा, ये लिखने में कहां बिजी रहता, तुम समझा कर यार, के की वैल्यू क्या है बताओ, एल एन 5/4, इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट डालेगा क्या आएगा, 10 से इसको काट दो, ये क्या हो जाएगा 2, तो एल एन पी बाई कितना 20,000, इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 ln 5/4 हो गया, तो एल एन पी बाई 20,000 इक्वल टू एल एन कितना हो जाएगा पता है, 25/16, ताकि एल एन कट जाए, तो पी बाई 20,000 कितना होगा, 25/10, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 16 है ये 20,000, तो पी की वैल्यू क्या जाएगा, 20,000 इंटू कितना, 25/60, ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो सॉल्व करो कट जाएगा, ये 4 से काट दो, 4 जा 4 5 जा 5,000, आधा करोगे तो 2,500, 1,250 हो जाएगा, ये 1,250 × 25 कर दो, कहाँ पे अटक गए थे आप लोग यार, साना जी आप कहाँ अटक गए थे, ओके लिखने के बाद 14 करो फिर सभी, मुस्कान देखो क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच गई हो करते करते अभी उसने पूरा अभी 8 तक का पूरा सोल्यूशन देगा मुझे,
हो रहा है 14, ये वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा 14, जो राइट हैंड साइड वाला है ना उसको नीचे ले आओ dy के नीचे, और dx को राइट साइड में ले जाओ और x प्लस 1 को उसके नीचे डाल दो, और फिर e की पावर माइनस 1 y को ले देना 1 बाई e की पावर y, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे जल्दी से आंसर आ जाएगा। सर लॉग 1 0 होता है ना? हाँ जी, सही है। बिफोर 14 बहुत आसान क्वेश्चन है, 14 इतना नहीं, पता नहीं क्यों लगा रहे तुम लोग यार। हो गया सानिया मिर्जा, देखो बहुत टाइम लगा दिया, 14 छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, देखो ध्यान से बताओ, देखो ध्यान से, जिसका जिसका नहीं हुआ है वो देख लो एक बार, जिसको टाइम लग रहा है वो भी देखो, इतना 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से देखो, जिसको टाइम भी लगा ना वो भी देखो, अगर इस पूरे को क्या करें, डीवाई के नीचे ले आए, डीवाई के नीचे क्या करें, उस पूरे को ले आए 2 into e की पावर -y -1, उधर क्या कर दे dx/x+1, इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, इसको क्या लिख दो 1 by, तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेके, ऊपर e की पावर वाई हो जाएगा dy अपॉन 2 minus e की पावर y, ये समझ में है कैसे हुआ, ये समझ में है, इसको लिख देंगे ना 1 by e की पावर y, फिर एलसीएम लेंगे e की पावर वाई, तो वो ऊपर चला जाएगा और ये e की पावर वाई से हो जाएगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, इसका डेरिवेटिव बन गया ऊपर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एल एन ये वाला 2 minus e की पावर y, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है 1, ऊपर 1 है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग सी ले लो, समझ रहे एल एन सी ले लो ताकि एल एन कट जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो बताओ, एल एन 1 by 2 minus e की पावर y लिख सकता है, ताकि माइनस हटा दोगे उधर क्या हो जाएगा एल एन सी इंटू एक्स प्लस 1, तो एल एन से एल एन कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 by 2 minus e की पावर y इक्वल टू कितना सी इंटू, बस सही आंसर आ गया, उसको थोड़ा जिस फॉर्म में लाना ला देंगे हम, इतना छोटा सा था इसे, इतना टाइम लगा रहे हो, क्या आंसर दिया मैडम,
मैंने क्या सर बताओ? अच्छा वाई निकाल दिया यहाँ से, तो कोई बात नहीं, तो वाई निकालना है ना, तो टू माइनस ई की पावर वाई क्या हो जाएगा, वन बाई सी इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वन। तो टू माइनस वन बाई सी इंटू एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, ई की पावर वाई, और ये वन बाई सी को सी लिख सकते हैं, इसको लिखते हो टू माइनस सी बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू ई की पावर वाई। सो देयरफॉर वाई क्या हो जाएगा, ये ई की पावर वाई की वैल्यू है, तो वाई क्या हो जाएगा बताओ, एल एन ऑफ दिस हो जाएगा, यही आंसर है क्या? अच्छा सी की वैल्यू निकालनी है, दे रखा है ना, तो वाई जीरो है और एक्स भी जीरो है, निकाल दो पहले निकाल, चलो यहाँ पे यहीं पे निकाल दो, कितना आ रही सी की वैल्यू, वाई को जीरो डालोगे तो ये वन हो जाएगा, एक्स को भी जीरो डालेंगे, यहाँ पे सी बचेगा, यहाँ पे वन बचा, यहाँ पे टू और माइनस है, सी को इधर ले आओ तो टू माइनस वन, सी की वैल्यू वन आ जाएगी, फिर समझे, उसको एलसीएम भी ले लिया होगा शायद, वही आंसर आ गया, कितना छोटा था क्वेश्चन था। चलो थर्ड इन करो जल्दी से फास्ट, इसको लिख लो पहले, चल नहीं हो रहा है, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन इजी होते बहुत ज्यादा, स्कोरिंग भी होते हैं उसमें ज्यादा, इंटीग्रेशन जिसका अच्छा है ना उसका पूरा इंटीग्रल कैलकुलस अच्छा हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ एरिया वाला भी बहुत आसान होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत आसान होता है। अब नहीं बताएंगे, नहीं हम बताएंगे सीधा बाद में जब तुम हार मान जाओगे तब। छोटा छोटा मोटा इंटीग्रेशन रहता है यार। लीनियर है, चलो इतना बता दिया मैंने, ठीक है लीनियर है ना, और किसी का मार्क्स मिला मैथ्स का, आदित्य नहीं मिला, आपका मिला, कितने नंबर आए, 71 एलपीपी, अच्छा वो भी आ गया था, गुड, वहां भी ऐसे ही लिखता है क्या एग्जाम में, डिटेल्स में लिखता है ना, मैं सब दे देता हूं, थर्टीन का आंसर आ गया सबका, थर्टीन तो सीधा लीनियर बना हुआ, बना बनाया लीनियर है ना, आ गया सर, गुड। हो गया सर, हो गया, गुड। तो
सर टेंथ कैसे करेंगे? टेंथ और इलेवेंथ लेवेंथ में तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल, डी वाई बाई डी एक्स निकाली हो? यस सर। क्या है डी वाई बाई डी एक्स सर? वो मल्टीपल में आ रहा है जो भी आ रहा है बताओ ना, डी वाई डी एक्स क्या आ रहा है? उसमें ऐसे पहले इंटू कर दो ना, पहले क्या करो इंटू कर लो, फिर डी वाई के टर्म एक साथ कर लो, डी एक्स के टर्म एक साथ कर लो, फिर डी वाई डी एक्स निकाल दो। ओके सर, मैंने आपको 13th और 12th भेजा है। आंसर चेक किया आपने? हाँ सर। आगे छठे में आंसर आ गया तो 12 भी आ गया। 12 में किसी को डाउट है क्या? ये रूट रूट देख के मत डर जाया करो। आप इतने शक्तिशाली बन जाओ ना, क्वेश्चन से डर नहीं लगे आपको। हमें किसी चीज से डर पता कब लगता है? जब हम कमजोर होते हैं। जब आप शक्तिशाली बन जाएंगे ना, हमें डर नहीं लगेगा। यही हमसे क्वेश्चन ही करते हैं हमसे। हो गया भाई तुम्हारा क्वेश्चन हो गया? इसमें पहले डी वन में टेक्स निकालो, पहले रूट एक्स एलसीएम ले लो इसका। नहीं, हाँ, माइनस टू रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई बराबर वन। तो डी वाई बाई टेक्स क्या होता है? ये यहीं पर रहता है ना, वाई टू कर लेता हूँ। e की पावर माइनस टू रूट एक्स माइनस वाई, और इतना बेहतर प्राइम तो ऐसे छोड़ देना, ऐसे मतलब e की पावर माइनस टू रूट एक्स, तो v ने बना बनाया रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स इक्वल टू, ये डी वाई ऊपर चला गया, डी एक्स नीचे चला गया। अब इसको उधर ले जाओ, e की पावर माइनस टू रूट एक्स और रूट एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स इंटू वाई। देखो लीनियर बन गया, इसको राइट साइड में लिखो इस वजह सी की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन। देखो यहाँ पे वाई गया, यहाँ पे भी वाई आ गया, ये पी हो गया, अरे पूरा क्यों नहीं तो बस बस सेलर पहले डी वाई डी एक्स निकालो, इसको पहले इंटू कर लो हर एक टर्म, और फिर डी वाई दो ज्यादा आ रहा है तो उसको एक साथ कर लो, ताकि डी वाई कॉमन लेना पड़ेगा उसमें से, और फिर डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई डी एक्स निकालो पहले। क्या नहीं है उससे हम तो दिया रखा है x माइनस y को भी कोई बात नहीं है, तो वहां से dx की वैल्यू पा रहे हैं। तो कर लेंगे अच्छा सेवन कैसे? सेवन तो बहुत आसान है, वेरिएबल से कभी से हो जाए और दूसरे कैलकुलेशन में करता हूं, उसको उधर लेगा माइनस हो जाएगा, डी वाई के नीचे हो जाएगा, फिर कंप्लीटिंग का स्क्वायर कर देंगे नीचे, फॉर्मूला लग जाएगा। उसके बाद क्या करना, उसके बाद आंसर आ जाएगा, लॉग हटा देना, अगर लॉग आ रहा हो तो टेन इनवर्स आ रहा, तो टेन इनवर्स हटा दे, उसके बाद आंसर आ जाएगा।
प्रूफ करना है उस नाम से नीचे आएगा। इसका आई एफ क्या आएगा? e की पावर 1 बाई रूट एक्स का डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? e की पावर 2 रूट एक्स। अब सोल्यूशन निकाल दो, सोल्यूशन क्या होगा? y इंटू आई एफ, आई एफ क्या है? आगे आगे बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन इंटीग्रल q e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू e की पावर 2 रूट एक्स। अच्छा ये दोनों कट जाएगा, ये कट के वन हो जाएगा, समझ रहे हो कैसे? इस ये दोनों का बेस सेम, मतलब पावर ऐड हो जाएगा, पावर जीरो बन जाएगा। और वन बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू रूट एक्स, टू रूट एक्स प्लस, यही आंसर आएगा। लेटर में टी बाय डी एक्स निकालना है मैडम, ये पता क्या करेंगे इसको? ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, 11th क्वेश्चन जो है ना, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। सर नीचे वाला मत बेटा, इसमें टी वाई का टर्म पूरे सब को इंटू मत करो, देखो एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स कर लो, प्लस क्या होगा? एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, और डी वाई के टर्म एक साथ ले आओ, इसको लेफ्ट साइड में ले आए, एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस डी वाई बराबर कितना? डी एक्स माइनस, इसको उधर भेज दो, x माइनस वाई dx, इसमें dy कॉमन हो जाएगा और राइट साइड में क्या कॉमन हो जाएगा? dx, x माइनस वाई प्लस वन हो जाएगा इंटू dy इक्वल टू dx कॉमन लोगे ना तो 1 माइनस x माइनस वाई dx, dy भी dx कितना आ गया फिर? 1 minus x minus y upon 1 plus x minus y, sorry minus y. अबे किसका फंक्शन है? x minus y का फंक्शन है, x minus y को t मान लो, ये x minus y plus 1 का भी बना सकते था, 1 plus minus का, तो सीधा x minus y का मान दे रहे हैं, हमने किया नहीं था। अगर d by dx किसका फंक्शन आ जाए? ax plus by plus c का, तो क्या हो जाता है? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, कैसे? इसको t मान लेते हैं, इसमें क्या करना है? x minus y को t मान लें, ये सॉल्व करते हैं, करो सॉल्व करो। काम ये मेथड सिखाया गया तो नहीं, फिर क्लास में क्या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल? हां हां सर बाद में याद आया।
अपना बॉल पेन स्क्रीन रीजन आप पूरा तो मिस कर रहे हैं पूरा इंटरवल फो एक्सेल इट में आप निकल जाते हैं और नेक्स्ट और आ रहा है उसे भी करते जल्दी जैसे भी को जल्दी किसे चल फिर उतर वोट पे भी रहना क्वालिटी अच्छा था बस पेपर का क्वालिटी अच्छा था सर जरूर सर अपना करता है ना पेपर को इसी तरह की ना सुविधा बनाओ आदित्य जल्दी करो आप तो हो गया सारा कंप्लीट हो गया इलेवेंथ हो गया अच्छा इलेवेंथ हो गया ओके गुड फिर तो कर लिया फोर्थ भी कर लो वो जो डिफरेंस वाली क्वेश्चन दिया है ना हाँ प्रूफ वाले तो क्या होते हैं ये आपको करने नहीं आता हम भी नहीं आते तो हो गया 11th वेरी गुड हां जी मैडम आ गया सर सर आ गया लगता है Yes. वो जो तो देखता हूँ कैसे किया इस सब को से मैंने कराया था मैं लेवल से लेवल नेक्स्ट से कराया नहीं मैंने पूरा टीम आज के ना सब नहीं होगा तो मैं टेस्ट मैच का ऐसे लगाऊंगा उससे भी आएगा आपने टेस्ट मैच का तो रिप्लेस नहीं किया आपने किसी को लगे रिप्लेस नहीं किया आपका सही से एक ही बात है किसी का फर्क पड़ेगा तो आ गया मैं ऊपर चलो टेंथ डेवलप आदित्य आ गया आपका आया है वो क्यों गलत आ गया जीरो
इलेवन को बताना पड़ेगा क्या? आगे देखो ज्यादा टाइम दे मैंने भेज दिया आगे के इलेवन से अगर किसी को डाउट आ रहा तो पूछ लो ज्यादा टाइम दे सकते हो बहुत टाइम हो गया इलेवन बता दूं कौन सा तरीका तो सही होगा तभी तो आपको साथ में सही आएगा तो उसको क्या मैनिपुलेशन अच्छे से करना पड़ता है छोटा करके के लिए ध्यान से करना पड़ता है जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा स्मार्टली यूज करना पड़ता है देखो इलेवन भी बताता हूँ देखो ध्यान से देखो डी वाई बाई डी एक्स को हटाने के लिए पहले क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स एक बार आप लोग भी देख लो फिर ऐसे बहुत देर से काम कर रहे हो इधर भी देख लो डी टी बाई डी एक्स ये सही है इतना किया था तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से वन माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स समझे क्यों इसको उधर लेके इसको उधर लेके अब इसमें प्लग इन कर दो वन माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया वन माइनस टी अपॉन वन प्लस टी ओके वन को उधर ले जाओ आप है ना तो माइनस डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वन माइनस टी अपॉन वन प्लस टी माइनस वन माइनस डी टी बाई डी एक्स क्या जाएगा वन प्लस टी एल सी एम ले लो तो क्या हो जाएगा वन माइनस टी माइनस वन माइनस टू माइनस वन से प्लस वन कर जाएगा तो माइनस डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस टू टी बाई वन प्लस टू ये माइनस से माइनस भी उड़ा दो आइए सर एक ही दीजिएगा तो डी टी बाई टी प्लस वन नहीं 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 गलत लिख दिया टी प्लस वन ऊपर जाएगा नहीं डी टी और टू टी नीचे आएगा सिर्फ टी को नीचे लाता हूं मैं टू को उधर ही रखता हूं डी एक्स इसको स्प्लिट कर दो तो क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाई टी बच्चों वाला क्वेश्चन है एक बच्चा बोलता सर मैं बच्चा ही तो हूं नहीं तो इसका क्या हो जाएगा टी ये हो जाएगा एल एन टी टू एक्स प्लस सी टी को क्या माना था आपने एक्स माइनस वाई अभी सबको उधर ले जाओ समझे आप कहां से आ गया था कब से अब कर लो क्या देखते इसके आगे ये इसको सॉल्व करोगे ना आगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल एन एक्स माइनस वाई बराबर ये एक्स उधर ले जाओगे तो टू एक्स माइनस एक्स एक्स हो जाएगा ये माइनस वाई उधर ले जाओगे तो प्लस वाई हो जाएगा प्लस सी अब इससे पॉइंट डाल दो तो आ जाएगा सी की वैल्यू टेंथ नहीं हुआ किसी का हो गया कौन सा टाइप है वो होमोजीनियस है वो नहीं होमोजीनियस नहीं होमोजीनियस वो होमोजीनियस नहीं है y इंटू e की पावर क्या है बच्चे x बाई वाई डी एक्स बराबर x इंटू e की पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई तो पहले क्या निकालेंगे यहाँ पे x बाई वाई है ना तो डी एक्स बाई डी वाई निकालते हैं हम लोग पहले तो डी एक्स बाई डी एक्स तो यहीं पर रहेगा और डी वाई को नीचे ले आएंगे हाँ भाई क्या कर रहा तू देखो इधर इसको बाद में करना ठीक है ये बोले के दोबारा समझाओ सर
dx by dy क्यों निकाल रहे हैं भाई, x by y तो चांसेस है कि होमोजीनियस हो जाए, नहीं भी हो सकता है, तो dx by dy निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy तो नीचे आ गया, तो x into e की पावर x by y प्लस कितना y square over y only y into e की पावर x by y, ये पूरा नीचे चला जाएगा ना, समझा। अब क्या करोगे इसको, y से डिवाइड कर दो नीचे ऊपर, किससे डिवाइड कर दो, y से, तो क्या हो जाएगा ये x by y e की पावर x by y प्लस y अपॉन e की पावर x by y, ये x by y का फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है पता है, y आ गया यहाँ पे, x by y नहीं आया है, तो ये होमोजीनियस है नहीं है, लेकिन ये क्या होगा x by y को t मानने से बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बाद में ना रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, हम उससे नहीं बोले थे, क्या बोले थे कि ऐसा नहीं है, पिछले क्लास में ही बोले थे कि अगर ऐसा नहीं कि dy by dx फंक्शन ऑफ ax plus b plus c आता है, ax plus dy plus c आता है तभी सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा ही कुछ आ जाता है उठपटांग, अब उसको गलती से t मान लो ना तो पता चलता है कि बाद में वेरिएबल सेपरेबल बन गया वो, पर ये होमोजीनियस नहीं है, अगर पूछेगा इज इट होमोजीनियस, नो, बट इट विल रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल कब, x पर y को t मान लोगे या b मान लोगे, व्हाट एवर, समझ गए, तो करो लेट x by y को क्या मान लो, t मान लो, सॉल्व करो आ जाएगा आंसर, पर तो y को कैसे लिखेंगे, तो y तो देखो एक ही तो वेरिएबल होता है ना, लिखो ना अपने आप आ जाएगा, दो ही वेरिएबल आएगा, एक t रहेगा और एक y रहेगा, तो y तो रहना ही चाहिए, उसको y को y ही छोड़ देंगे, बोला सर y को क्या लिखेंगे, y को y ही रहने देंगे, यहाँ क्योंकि यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा ty, तो dx by dy निकालोगे तो क्या आएगा dt by dx into y plus t, तो dx by dy को हटाओगे तो यहाँ पे y तो रहेगा ही ना इक्वेशन में, तो यहाँ पे y आएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना इसलिए, तो उस y को y ही छोड़ देना है, उस y को x के टर्म में मत लिख देना, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा डी टी बाई डी वाई इंटू वाई प्लस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी इंटू ई की पावर टी प्लस वाई अपॉन ई की पावर टी, देखो तो दो ही वेरिएबल है ना यहाँ पे, कौन कौन सा है टी और वाई, ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, ये पहले इसको उधर ले जाओ फिर सॉल्व करो आ जाएगा आंसर, समझा बिफोर, हाँ सर, गुड, अच्छा ये बताओ मान लो यहाँ पे x रह जाता तब क्या करता, नहीं नहीं यहाँ पे x by y ही रहता, यहाँ पे भी dx by dy ही रहा, बस यहाँ पे y की जगह x आ जाता अगर, तब क्या करता ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, that's brilliant, कुछ नहीं करता, x को हटा देते, dy कर देते, x को क्या लिख देते, dy लिख देते x को, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है y और t है, क्या है dt by dy है, जो भी टर्म आने चाहिए y और t के आने चाहिए, अगर x का टर्म है तो x कैन बी एलिमिनेटेड बाय ty, नहीं समझा, क्या एक ही बात, वो बात नहीं है ना, नहीं समझ पाया, नहीं वो नहीं समझ पाया, वो तो तब रहता ना भाई, y by x को t तब ना मानता जब dy by dx निकालना, dy by dx निकाले रहते और हर जगह y by x रहता,
हम बोले सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक एक्स आ गया, बस वाई की जगह एक्स नहीं आया है, सिर्फ यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे एक्स रह जाता ना फिर, और यहाँ पे क्या है डी टी बाई डी वाई है, तो एक्स को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि डी टी और डी वाई है तो वेरिएबल सेपरेबल वाई और टी में होगा, तो एक्स को हटा दो किस सब्स्टिट्यूशन से, इसी से अभी जो किया हुआ है, एक्स क्या है डी वाई, ये बोल रहा था। देखो ना बुक में, देखो वो देखेगा ना बुक है, क्या बुक नहीं है आपके पास, नहीं आ रहा आंसर, सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये हो गया नहीं, इसको उधर ले जाओ टी को, टी ई की पावर टी प्लस वाई अपॉन ई टी माइनस टी, तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ई टी एल सी एम ले लो यहाँ पे, TET प्लस वाई माइनस क्या होगा TET, TET तो खत्म ही हो जाएगा, क्या रहा इसमें बच्चों वाला इंटीग्रेशन आ गया, और DT बाई DX इक्वल टू Y बाई ET बचा बस, ये क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज ET DT बराबर यहाँ पे Y है DY, गलती से DX लिख दिया Y DY, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन, ET का इंटीग्रेशन क्या होगा ET ही होगा इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और T किसको मान लेते हैं x बाई वाई को, सर C भी निकालना है क्या इसमें, तो ये आंसर आ गया सर, क्या था इसमें बताओ, हाँ नाइन्थ क्वेश्चन करो, नाइन्थ तो रहता है ऐसे वेरिएबल सेपरेबल से ही हो जाएगा है ना, ना नाइन्थ नहीं बताएंगे खुद ठीक करो यार, सोल्यूशन देखा पर गया, सोल्यूशन कहाँ देखा, आंसर को टी मानने का हो जाएगा, नहीं नहीं वन बाई ई मल्टीप्लाई करोगे ना तो ई से इंटू कर दिया ना, तो ई से इंटू करके ना पावर वन ऐड हो जाएगा, इंटू थोड़ा ना हो जाएगा टू हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वन हो जाएगा वो, समझे,
सर मैंने 8th और 9th किया है। कौन सा मैच हुआ? हाँ सर। ठीक है गुड। 7th करो फिर आप। आपको सेंड भी कर दो। ओके देखता हूँ। सही है। छोटे छोटे इंटीग्रेशन है, देख रहे हो सीधा फॉर्मूला लग रहा है यार, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है। जी आ गया, 9th का आंसर आ गया मैडम। 8th का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हो रहा है जी जनाब? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो आप? आ गया 8th का आंसर आ गया। गुड। सेवेंथ करो। परीक्षा कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं भाई? सर 8th को 9th भेज। सब भेज दी। हाँ सर मैच किए हो? हाँ सर। हाँ जी काव्य से कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो भाई? 7th हो रहा है। ये भी वेरिएबल सेपरेबल का ही है, उसको राइट साइड में ले जाओ और डी वाई के नीचे वो सारा आ जाएगा, फिर कंप्लीटिंग का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर फॉर्मूला लग जाएगा। 7.4 का फॉर्मूला ये हो जाएगा इसमें।
हाँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं दिया था तो दिक्कत नहीं। सर एट हो गया। एट हो गया, गुड। जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। ये गलत कर दिया, फॉर्मूला गलत लगा दिया। ठीक है, और इसको की मानो देना इसका डेरिवेटिव है ऊपर। इसका पूरे का डेरिवेटिव कर देना, टू ई एक्स इंटू ई एक्स हो जाएगा, समझ रहे। पावर पहले पावर लगाओगे, पहले ई एक्स को टी मानना पड़ेगा, तो ई एक्स इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स। डीएक्स में आप जाएंगे तो जाकर डी टी टू सिंपल करने की जरूरत नहीं, यहीं पे गलती कर दिया। ये बट टैन इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस माइनस भी यहाँ पे माइनस माइनस ये जाकर डी टी बाई वन प्लस टी एस। इसमें इंटीग्रेशन क्या होगा, टी को वापस टाइम पे जो माना समझ नहीं हो रहा है। प्लस सी भी तो रहेगा यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल वही करेंगे, सी को टैन इनवर्स सी लिख सकते हैं, जैसे सी को लॉग सी लिख सकते हैं, तो टैन भी लगा सकते हैं। हाँ ताकि वो टैन इनवर्स पिक्चर से गायब हो जाएगा। tan inverse को गायब कर देना, जैसे log को गायब करते हैं, कैसे log को गायब करते हैं, c को log y लिख देते हैं, यहाँ पे c को tan inverse c भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो सीधा डी वाई के नीचे ले आओ उसको, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू माइनस, फिर इंटीग्रल कर देना डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और फिर इसको कंप्लीट इन द स्क्वायर कर दो, इंटीग्रेट हो जाएगा ये। हो गया राशि सर, 70 कर लिया। कहाँ तक कर लिया? 8 तक कर लिए हैं। 7 कब करोगे तुम? करीब बहुत क्लोज हो, स्पीड से करो यार। 7 के आंसर आ गए। हाँ सर, गुड। सर हाँ जी सर, मेरी क्लास है। हाँ है, जाओगे क्या, वहाँ जाओगे क्या? यस सेंटर पर। बस मेरा अगली बार से
मैं पहले बता देता हूँ, अगली बार से कोई किसी को ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन जो बाहर रहते हैं ना, ठीक है सर, वही ऑफलाइन लेंगे। मान लो किसी को कोई दिक्कत है, मान लो ऑनलाइन का, तो पहले मुझे पेरेंट्स से बात कराओगे कि मैं अलाउ करूंगा ऑनलाइन के लिए, ठीक है। फिर मुझे लगेगा कि कोई रीजनेबल रीजन है, इन्हें की सोए रह गए, ये रह गए, वो रह गए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए यार, हम भी सोते हैं, अलार्म लगा के सोते हैं, सभी लोग सोते हैं, पर आपका काम थोड़े ना इसको छोड़ोगे, ऐसे सोए रहोगे तो एक ऐसे एक, एक हमारे मेरे दोस्त का एक दोस्त है, उसने एक बार तो एक एग्जाम ही छोड़ दिया था सोने के चक्कर। हमारे टाइम में ना जैसे अभी सिर्फ जेई हो रहा है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो रहा था, एक एग्जाम ही छूट गया बेचारे का, सोए ही रह गए। सी को सी ही रहने दो, पता है ज्यादा टैन इधर ले आना उसको, टैन इनवर्स एक्सप्लस टैन इनवर्स वाई लगा देना। हाँ कुछ नहीं बोला मैंने, बहुत तरीके करने को, जैसे इसका कंप्लीटिंग टेस्ट स्क्वायर किया हो, बताओ क्या क्या है, वाई प्लस, हाँ रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इधर भी यही आ जाएगा, सेम ही चीज आ जाएगा, बस वाई की जगह एक्स आ जाएगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दादा, बताओ जल्दी बताओ, ऊपर का मिटा देता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, जल्दी बताओ, लिखना मत अभी, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सामने आप भी देखो, वन बाई रूट थ्री बाई टू, वन बाई ए भी तो होता है, बाई टू ऊपर ले गया टू, टैन इनवर्स, टैन इनवर्स कितना, हाँ y प्लस हाफ अपॉन रूट थ्री बाई टू है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स माइनस भी है यहाँ पे है ना, टैन इनवर्स x प्लस हाफ अपॉन रूट थ्री बाई टू प्लस सी है ना, हाँ माइनस टू बाई रूट थ्री, हाँ तो इसको इंटू कर दे, इसको रूट थ्री यहाँ पे तो टू बाई रूट थ्री से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ये भी कट जाएगा वो भी कट जाएगा, और सी को कॉन्स्टेंट से डिवाइड करेंगे तो सी रहेगा, ये क्या होगा टेन इनवर्स टू वाई प्लस वन, टू एलसीएम लोगे तो ये टू कट जाएगा अपॉन रूट थ्री इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस सी, इसको इधर ले आओ क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टू वाई प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस टेन इनवर्स 2x plus 1 by root 3 equal to c. अब tan inverse x plus tan inverse y का formula जानते हो क्या होता है? x plus y इसको इसको add कर दो तो क्या हो जाएगा? दोनों का denominator same है समझ रहे हो? 2x plus y plus 2x plus 1 plus 2x plus ये हो जाएगा समझ गए? by root 3 whole upon क्या होगा? 1 minus इसको into करेंगे 2y plus वन इंटू डिवाइडेड बाई थ्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या है यहाँ पे रूट थ्री है नहीं, इक्वल टू क्या सी, अब टैन इनवर्स उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे सुनो ना यार तुम बस सुनते रहो बस, ये क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई और क्या होगा प्लस टू अपॉन रूट थ्री अपॉन यहाँ पे भी नीचे भी नीचे थ्री एलसीएम ले लो नहीं क्या हो जाएगा थ्री माइनस माइनस क्या होगा इसको इंटू करो फोर एक्स वाई प्लस टू वाई प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टैन सी टैन इनवर्स उधर ले गया या उसी को टैन इनवर्स सी लिख दो टैन इनवर्स से टैन इनवर्स कट गया एक ही बात है अब हो गया आंसर आ जाएगा फिर तो।
और फिर टेन सी को सी लिख देना, टेन सी भी क्या है कॉन्स्टेंट ही है, तो इसको फ्लिप करोगे तो क्या जाएगा पता है, ये जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा और ये 3 कट जाएगा रूट 3 से, रूट 3 टाइम्स रूट 3 यहाँ पे इंटू कर देते हैं अपॉन, इसमें से इसको माइनस करोगे तो पता क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x इक्वल टू c, इसमें से 2 कॉमन लेके काट भी सकते हो। अच्छा रूट 3 को भी c में मर्ज कर दो, रूट 3 को कहाँ मर्ज कर दो c में, और इधर से 2 भी कॉमन ले लो और रूट 3 को तो ऐसे मर्ज कर दो, 2 से 2 भी कट जाएगा तो आपके पास आएगा x प्लस y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2xy माइनस y माइनस x इक्वल टू सी, ये आंसर नहीं है क्या, समझा हो गया। फिर फोर्थ कैसे करेंगे, वो होमोजीनियस है फोर्थ क्वेश्चन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना होमोजीनियस है वो, नहीं है निकाल भी नहीं सकते हैं। सिक्स लीजिए, सिक्स तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिक्स हो गया, फिर तभी छोड़ दो, एक और टॉपिक बनाएंगे ना फिर हो जाएगा। कितना टाइम हो गया, 6 मिनट बांधेंगे, 6 मिनट में क्या पढ़ाएंगे, एक और टॉपिक पढ़ा देंगे नहीं, 6 मिनट में घर जल्दी जाके क्या करोगे, होमवर्क करोगे, देखो घर जाने की जितनी जल्दी है ना इतनी जल्दी पढ़ाई को लेके भी होनी चाहिए नहीं। चलो आज बक्स दिया, मजे करो ठीक है, कल भी तो क्लास है ना, ये 5-5 से पीछे वाले छोड़ सकते हो, सॉरी एक फोर्थ क्वेश्चन कर लो, बस टाइम भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन है 1, 2, 5, 3 वो टॉपिक पढ़ाना है मुझे अभी, आपने तो पहले पढ़ा हुआ था आप कर लोगे, फोर्थ क्वेश्चन करो बस फिर छुट्टी दे देंगे, शॉर्टकट में कर लो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3xy² dx बराबर वाई क्यूब माइनस 3x² y इंटू dx, इसका सोल्यूशन निकालना है और वो ऊपर लिखा हुआ है वही आना चाहिए आंसर, ये होमोजीनियस है पता है कैसे, हर एक टर्म में देखो यहाँ पे पावर क्या है 3 है, यहाँ पे पावर क्या है एक्स वाई दोनों मिला के 3 है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो पहले और फिर उसको वाई बाई एक्स का फंक्शन बना लेना, होमोजीनियस हो जाएगा वो, सॉल्व करो तो आर्यन कल आओगे,
वहाँ नहीं नारायण नहीं जाओगे? नहीं होती आपकी है वो सब किया है स्ट्रेट लाइन सारा रिवाइज किया पहले वही एनसीईआरटी कंप्लीट करना था तो स्ट्रेट लाइन कल एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करके आना ठीक है सर। हाँ जी सर कल मेरे को स्कूल जाना है मेरा प्रैक्टिकल है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। छोड़ दो ना स्कूल प्रैक्टिकल है क्या हो गया फेल थोड़ा कर देंगे वो बोलना तबीयत खराब हो गया तो किसी और दिन प्रैक्टिकल दे देंगे ऐसा बोल देना समझी तो क्लास मिस मत करो बोलना कि तबीयत खराब हो गया इसलिए आ जाएगी नहीं तो स्कूल ही मत जाना वो प्रैक्टिकल वगैरह ना किसी और दिन एडजस्ट कर देते हैं टीचर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें मुस्कान yes, अभी कल ऑफलाइन आना है ठीक है दिन को है ना कल क्लास तो सर मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं नहीं आ सकती आउट ऑफ स्टेशन ओके हो गया फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपसे भी लंबा इंटरव्यू सुन आपसे छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं क्वेश्चन हाँ आज मैं इसे ऑनलाइन क्लास में रहा था एक बच्ची का तो उसके पास भी एप्पल का लैपटॉप है तो क्या करती है ना वो लैपटॉप पे कीपैड पे कॉपी रख के लिखती है तो मैंने बोला थोड़ा सा एप्पल का लैपटॉप थोड़ा सा इज्जत कर लो बोलता लैपटॉप को मैंने खरीदा लैपटॉप ने मुझे नहीं खरीदा है सही है तुम्हारा एटीट्यूड तो यार हाँ क्यों नहीं सकते और वैसा आ रहा है क्या इसमें x by y आ रहा है कहीं पे क्या dy by dx क्या होगा बताओ तो dy by dx से तुम लोग गलत निकाल लिया बताओ dy by चलो यहाँ पे dy रखता हूँ और dx यहाँ पर रखता हूँ तो dx नीचे ले गया तो ये यहीं पे रहेगा नहीं रहेगा नहीं x क्यूब करोगे फिर तो x by y का फंक्शन बन जाएगा नहीं तो dx by dy निकाल लो ना फिर x
अच्छा चलो ठीक है, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यू माइनस इक्वल टू जीरो बाई डीएक्स। एक्स क्यू से डिवाइड कर दीजिए, सही बता रही है, हो जाएगा ये हो जाएगा वन माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर नहीं अपॉन वाई बाई एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री वाई बाई एक्स। अब वाई बाई एक्स को भी मान लो हो जाएगा, वाई बाई एक्स का फंक्शन बन गया नहीं। हाँ ये क्यूब होगा, थैंक यू। y by x को क्या मानेंगे v, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा vx, तो dy by dx क्या आएगा dv by dx into x plus 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 v। यहां तक आ गया, इसके आगे बताऊं ये क्या हो जाएगा वन माइनस थ्री वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा वी क्यू माइनस थ्री वी इक्वल टू कितना dv by dx into x plus v। तो ये निकालोगे अगर dv by dx into x निकालोगे तो v को उधर ले जाओ, वन माइनस थ्री वी स्क्वायर अपॉन वी क्यू माइनस थ्री वी माइनस वी। वी क्यू माइनस थ्री वी एलसीएम ले लो, वन माइनस थ्री वी स्क्वायर माइनस क्या होगा बच्चे माइनस वी की पावर फोर प्लस थ्री वी स्क्वायर, तो थ्री वी स्क्वायर कर गया। मैं समझ गया नंबर ले गया, इसका एक अच्छा आसान तरीका है, परसेंटेशन कर देगा तुम लोग सुनो रुक जाओ रुक जाओ, हाँ लंबा खींच जाएगा फिर, हाँ फिर जल्दी हो जाएगा वो। अब क्या करेंगे, क्या होगा इधर वी क्यू माइनस थ्री वी बाई वन माइनस वी फोर बराबर इधर डी वी भी रहेगा नहीं, उधर क्या आएगा राइट साइड में सान्या जी डी एक्स बाई एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना, एक तो है कि पी एफ लगा दो, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, नहीं पार्शियल फ्रैक्शन के बिना ही हो जाएगा ये क्यों, देखो जरा बहुत अच्छा ट्रिक है इसमें, इसमें ये ट्रिक नहीं अपना होगा तो लंबा चला जाएगा ये, इसको अलग अलग स्प्लिट कर दो, पता क्या हो जाएगा वी क्यू बाई वी फोर डी वी अलग अलग इंटीग्रेशन में भी डिवाइड कर दो, माइनस क्या हो जाएगा थ्री बाहर ले लिया वी बाई वी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल एन एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा वन माइनस वी फोर का, अरे इडियट इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस फोर वी क्यू, तो माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस फोर से डिवाइड कर दो, इसका डेरिवेटिव वो बन गया, ये फैसिलिटी था इसमें इसलिए ऐसा किया है। तो क्या जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाई फोर एल एन वन माइनस वी फोर, ठीक है। अब देखो यहाँ भी है वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा टू वी, यहाँ पर टू ला दो, यहाँ पे टू ला दो तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू, और वी स्क्वायर को टी मान लो तो क्या हो जाएगा डी टी बाई वी स्क्वायर को क्या मान लिया टी, टू वी डी वी कितना हो जाएगा डी टी, तो क्या है क्या यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू एल एन एक्स प्लस, देखो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के ही हो गया काम, क्यों इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि स्प्लिट करेंगे इसका डेरिवेटिव बन जा रहा है, और दूसरी बार क्या हो रहा है वी फोर को वी स्क्वायर का स्क्वायर लिख दे रहा है तो वी स्क्वायर का भी डेरिवेटिव बन जा रहा है, फिर वी स्क्वायर को टी मान लेंगे तो टू वी डी वी क्या बन जाएगा डी टी। अब इसका फॉर्मूला ही होता है हमारे पास माइनस वन बाई फोर एल एन वन माइनस, कॉफी लाए हो क्या कॉफी लाए हो नहीं लाए हो, माइनस कितना हो जाएगा थ्री बाई टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है वन बाई टू ए, टू ए तो वन ही है वन बाई टू ए एल एन वन प्लस टी अपॉन वन माइनस टी इक्वल टू, हर जगह एल एन है ना, आंसर में एल एन नहीं है ना लेकिन, तो ये हाँ उसको हटाना पड़ेगा तो इसको एल एन सी लिख देता हूँ सी को,
इतना तक क्लियर है सबको? पक्का? ओके अब देखो, इसमें क्या करो, माइनस वन बाई फोर, इसको थ्री बाई फोर लिख देता हूँ, माइनस वन बाई फोर कॉमन ले लो, तो पता क्या हो जाएगा, एल एन मॉड वन माइनस वी फोर प्लस थ्री एल एन वन वी टी, किसको माने थे हम लोग, वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, एल एन एक्स इंटू सी, ठीक है। अब ये माइनस फोर को उधर ले जाओ, तो पता ही ये हो जाएगा एल एन, यहां से देखना, वन माइनस वी की पावर फोर अपॉन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर का क्यूब। ये बात समझ पा रहे हो? इसको कहाँ पे ले गए, पावर में ले गए, यहाँ पर नहीं, पर गलत कर दिया, वो इंटू हो जाएगा वो, है ना। तो एल एन, और ये वन माइनस वी फोर को लिख देंगे वन माइनस वी स्क्वायर इंटू वन प्लस वी स्क्वायर, और ये इंटू हो जाएगा, ये वन प्लस वी स्क्वायर का क्यूब अपॉन क्या होगा, वन माइनस वी स्क्वायर का क्यूब। तो ये एक कट जाएगा, एक वाला फैक्टर यहां से, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस फोर एल एन एक्स सी या सी एक्स, माइनस फोर को उधर ले जाए, समझ गए। तो क्या बचेगा बताओगे, समझ रहे हो ना, घर पे खुद से कर लेना। तो एल एन ध्यान से समझना, ये क्या बचेगा, वन प्लस वी स्क्वायर की पावर पता कितना बचेगा, फोर, और नीचे क्या बचेगा बेटा, वन माइनस वी स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक इसको काट देगा। इक्वल टू क्या होगा बच्चे, उसको लिख दो एल एन सी एक्स की पावर माइनस फोर। अब एल एन से एल एन उड़ा दो, नहीं कोफिशिएंट हटाना पड़ेगा ना एल एन उड़ाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वी स्क्वायर का फोर अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स की पावर माइनस फोर, एक बार लिख दो बाद में। अच्छा क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, वन बाई सी एक्स की पावर फोर, क्या हो जाएगा, वन बाई सी एक्स की पावर फोर, दोनों साइड रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन वन बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो वन प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब वी को क्या डालेंगे, y by x, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वन बाई सी स्क्वायर को ऊपर ले जाकर c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा, x की पावर फोर इक्वल टू उधर क्या होगा सर, c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये भी उड़ गया, ये तो आंसर लाना था, नहीं लाना था, लंबा क्वेश्चन था थोड़ा। चलो खुद से करो एक बार, और घर से करके लाओगे, चलो ठीक है। अगली क्लास में मैं इसी क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, 10-5 मिनट का, हाँ तो उसका ले लूंगा मैं, इसका आते ही मैं 5 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, बस जल्दी से करके बिठाना होगा। अब जिसका जिसका सही होगा वो सब क्लास में रहेगा, जिसका जिसका गलत आ जाएगा वो रिकॉर्डिंग देख लेगा, मतलब जाके घर पे इसको करोगे वरना भूल जाओगे फिर क्वेश्चन, समझ लो क्या
क्योंकि अगले मंडे तक खलास हो जाएगा दिमाग से, दोबारा मुझे सारा बताना पड़ेगा फिर। ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आया? एनी परिचय? यस सर। नासी, मुस्कान? यस सर। चलो फिर, ओके बच्चों, कल की क्लास से पहले स्टेट लाइन थोड़ा पूरा रिवाइज कर लेना, जितने भी फॉर्मूले पढ़ाया वो, और एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो तो हो ही गया होगा, जिसका नहीं हुआ है ना वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, ओके बच्चे।